दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति उर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू को बनाने के लिए करीब 300 इंजीनियर्स और 4,000 से ज्यादा लोग दिन रात खून पसीना बहाकर एक साथ काम करते थे। इस बड़ी सी मूर्ति में लगभग 25,000 टन स्टील और 70,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरदार पटेल की मूर्ति का वजन करीब 22,000 हाथियों के बराबर है और यह मूर्ति इतनी ऊंची है कि इसके सामने 50 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। इस विशाल 182 मीटर ऊंची मूर्ति को देखने के लिए हर साल देश विदेश से करीब 1 करोड़ लोग आते हैं। दोस्तों, ये तो थी सरदार पटेल की मूर्ति की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन अभी आप और भी चौंक जाएंगे जब आप जानेंगे कि इस विशाल मूर्ति को आखिर इंजीनियर्स ने कैसे बनाया। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 182 मीटर ऊंची और अंतरिक्ष से दिखने वाली इस मूर्ति को बनाने के लिए $425 मिलियन का खर्च आया था, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए। और क्या आप जानते हैं कि सरदार पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए सिर्फ 42 महीने ही दिए गए थे, जहां इतने कम समय में ऐसी विशाल मूर्ति को बनाना लगभग नामुमकिन सा था। दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को खड़ा करने के लिए इसके बेस में करीब 130 टन स्क्रैप लोहे का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हमारे देश के 10 करोड़ किसानों द्वारा दान किया गया है, जहां लोहे के धातु को पिघलाकर करीब 190 फुट मजबूत बेस को तैयार करने के बाद ही इस बड़ी सी मूर्ति को बनाने का काम शुरू किया गया। इस मूर्ति का बेस ओलंपिक के एक बड़े से स्विमिंग पूल के बराबर लंबा और गहरा है, जिसमें खास किस्म का कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो आम सीमेंट के मुकाबले जल्दी से सेट होता है, ताकि आगे स्ट्रक्चर बनाने का काम जल्दी से शुरू किया जा सके। दोस्तों, किसी भी मूर्ति को मजबूत पकड़ देने के लिए मूर्ति के बीच में एक बड़ा सा कॉलम तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें इंजीनियर्स के लिए चुनौती भरा काम था कि सरदार भाई तो धोती पहनते हैं और स्टेच्यू के डिजाइन के मुताबिक एक पैर को आगे की ओर रखना था, जिसमें मूर्ति में सिर्फ एक की पकड़ देना तो नामुमकिन था। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इसका हल बड़े बड़े इंजीनियर्स ने यह निकाला कि एक चौड़े आधार की जगह दो अलग अलग कॉलम बनाए जाए, जो इस प्रतिमा के पैर बनेंगे और इस बड़ी सी इमारत को सहारा देने का काम भी करेंगे, जहां पैर की ऊंचाई 3.5 मीटर है, जो एक पर एक इंसान खड़ा हो सके उसके बराबर है। दोस्तों, ऐसी विशालकाय मूर्ति को एक ही जगह पर पूरा बनाना तो नामुमकिन ही था। तो फिर इस प्रतिमा के बाहरी हिस्से को अलग अलग कांसे के टुकड़ों में बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि करीब 6,659 अलग अलग मजबूत कांसे के टुकड़ों को जोड़कर ही इस प्रतिमा को बनाया गया, जहां उन टुकड़ों को जोड़ना किसी पहेली से कम नहीं था। समय हाथ से निकला जा रहा था, लेकिन अभी भी काम बहुत होना बाकी था। यहाँ स्पेशल डिजाइन किए गए ट्रेलर कांसे के बड़े बड़े चट्टानों को ले जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिजाइन के मुताबिक मूर्ति के पैरों का आकार कैसे बनाया जाए, ये इंजीनियर्स के लिए एक चुनौती साबित हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पैरों को बनाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद सरदार पटेल की धोती के 12 टन वाले पैनल को क्रेन की मदद से ऊपर ले जाया गया। इसी तरह मूर्ति के अलग अलग हिस्से को ऊपर ले जाकर एक के बाद एक टुकड़े को जोड़कर ही प्रतिमा को तैयार किया गया। दोस्तों, ऐसी विशाल मूर्ति को बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम को छू लिया था। यह काम कड़ी मेहनत का है, जिसे 4,000 लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपना पसीना बहाकर पूरा किया। यहाँ काम करने के लिए देश के कोने कोने से बड़े बड़े इंजीनियर्स, एक्सपर्ट क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर और मजदूर आए थे, और इन सब ने मिलकर भारत की एकता के प्रतीक इस गगनचुंबी प्रतिमा में मानव प्राण फूंक दिए। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के एक बड़े नेता
सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए श्रद्धांजलि है। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में 182 मीटर ऊंची मूर्ति को तैयार किया गया। दर्शकों के लिए 135 मीटर की ऊंचाई पर एक बड़ी सी गैलरी मौजूद है, जहां 200 लोग एक साथ सरदार सरोवर डैम और आजू बाजू ऊंची ऊंची पहाड़ियों का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, इतने बड़े स्टेच्यू को बनाने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें।